देगी और रात के 12 बजे हैं। भाई कुछ ज़्यादा ही गर्मी आ रही है आज यार, बहुत ज़्यादा लग रही है गर्मी आज। और शुक्र है एक गॉगल पहना हुआ है मैंने, वरना आंखें तो खुल ही नहीं पाती इतनी धूप में। और ये गॉगल भी अच्छा लग रहा होगा मे भी। अच्छा कल जो मैं आपको बता रहा था, कल पोपट इतना बड़ा हुआ, इससे पहले जो आपने मेरी वीडियो देखी है कल वाली, उसमें क्या था, रात को मैं लेकर बैठा लैपटॉप में एडिटिंग करने के लिए, और एडिटिंग के टाइम पे लैपटॉप में अपडेट आ गई, और अपडेट आने के चक्कर में सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा था। मैं समझा पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्या हो गया पंगा। तो भाई दो बार डायरेक्ट शटडाउन करने के बाद अपडेट पूरी हुई, और रात को 1-2 बजे फिर एडिटिंग करके ख़त्म किया। वरना मैं सोच रहा था कि सुबह ही उठ के कर लूँगा, लेकिन फिर सुबह मैंने 9 बजे का शेड्यूल कर दिया, ऑटोमेटिक वीडियो अपलोड हो गई। अब आ गया हूँ छाँव में, अब अच्छा लग रहा है। और अभी आपको बता दूँ, मैं फिर से निर्जय देख के हटाऊँ, बार बार मूवी देखता हूँ ना, मेरे आँखों में से आंसू आ जाते हैं यार मेरे को। मतलब आप लोग भी बताओ कि आप भी इतने इमोशनल हो गया बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैं हूँ, और हो तो सरा कमेंट करके बताना। होता है फिल्में बनती हैं, हॉन्टेड फिल्में बनती है, तो वो सब स्क्रिप्टेड होती है। तो यार जबकि ये तो एक लाइफ जर्नी थी पूरी उनकी, जो फिल्म में दिखाया था, जैसे जैसे उनके साथ जो जो हुआ, तो इस चीज़ को तो नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। तो रोना ऑब्वियसली मेरे को बहुत ज़्यादा आता है, इमोशनल फिल्म कोई भी हो मेरे को आता है। लेकिन मैं एक बार कोई फिल्म देखता हूँ, जैसे सलमान खान की है अपना बजरंगी भाईजान मूवी, तो बजरंगी भाईजान में क्या था कि लास्ट का सीन, जब भी मैं पूरी फिल्म देख लूँगा कोई दिक्कत नहीं होती ऐसी, जब बस लास्ट में जब वो मामा चिल्लाती है ना मुन्नी, तो यार वहाँ रोना आता है, बहुत ज़्यादा रोना आता है, बहुत ही ज़्यादा। पूरी फिल्म में मेरे को कभी रोना नहीं आता, लेकिन अभी भी अगर नीरजा मूवी हो चाहे ये बजरंगी भाईजान हो, लास्ट का सीन देखता हूँ दोनों ही फिल्मों का ना, बहुत ज़्यादा रोना आता है, बहुत ज़्यादा। चलो अब इस इमोशनल बंदे को छोड़ो, अब डिशेस के ऊपर ध्यान देते हैं। मैंने आपको कल जलेबी नहीं दिखाई थी, कल के व्लॉग में मैं जलेबी ऐड करना भूल गया, और मैंने नया रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है। ऐसा है कि कल फिर से मैं छत पे आ जाऊँगा, कल वाली ड्रेस पे ही, उसको देखो और फिर बताना कैसी लगी है आपको जलेबी, कमेंट करके ज़रूर बताना। जलेबी की रेसिपी भी दिखानी थी मेरे को, और जलेबी भी बना के ख़त्म कर दी। तो एक कढ़ाई के अंदर पानी है, अब हम इसकी चाशनी बना रहे हैं, चीनी डालेंगे ना। तो एक कटोरी हमने चीनी डाल दी चाशनी बनाने के लिए, अब इसको हम फेंट रहे हैं, जैसे मैंने कॉफ़ी फेंटी थी ऐसी फेंटना है इसको भी। ये चाय बन रही है गर्मा गर्म, फ्लाइंग बीस्ट वाली चाय। इसमें नींबू भी डालते हैं, हैं? नींबू से डालते हैं कि क्रिस्टल ना जम जाए। ओके। जम ना जाए चाशनी। चाशनी ना जम जाए इसलिए नींबू डालते हैं। तो चाशनी बनके तैयार हो गई है, और हिलाते रहना है 5 से 10 मिनट तक, जब तक चीनी पूरी खत्म, घुल ना जाए इसके अंदर पानी में। ये हमने ऑयल ले लिया है, अब ये गर्म होएगा, इसमें जलेबियाँ तली जाएगी। ये हमने चिमनी ऑन कर दी है, ये हमने जलेबी डाल दी है तलने के लिए, कैसे तली जा रही है। और तलने के लिए हमने यूज़ क्या किया, मदर डेरी का पैकेट। देखो जलेबी बन के तैयार हो चुकी है, अब ये हमने चाशनी में डाल दी है। कैसे डाल? ये देखो हमारी जलेबी कैसी बनी है, कितनी बढ़िया बनी है। जलेबी का पेस्ट बनाने के लिए क्या किया है, एक कटोरी मैदा ली है, और एक कटोरी मैदा में आधा कटोरी दही ली है, और आधी कटोरी दही मैदे में डाल दी, और उन सबका पेस्ट बना के हमने बेकिंग सोडा डाल दिया आधा चम्मच, और फिर सबको मिक्स कर दो,
और उसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा, उसको तेल में ऐसे फ्राई करो, ऐसे फ्राई करो, सेम यही जलेबी बन के तैयार हो जाएगी आपके सामने, तो ट्राई करो। अब आपने जलेबी देख ली है, अब देखो शाही पनीर की रेसिपी। और फिक्र मत करो, मैं नहीं खाने वाला पनीर की सब्जी, मैं खाऊंगा तो सिर्फ एक कटोरी या एक बाइट खाऊंगा, एक कटोरी, छोटी सी कटोरी टेस्ट के लिए, क्योंकि मैं फिटनेस की बात करता हूँ हर बार, तो फिटनेस जारी रखूँगा, चीट नहीं करूँगा इस बार। तो आप इंजॉय लो शाही पनीर का। तो कार्यक्रम शुरू करते हैं ज़रा। हमने ले रखी है 2 टमाटर और 2 प्याज काट के रखी हुई है, इनको फ्राई करेंगे अच्छे से। और ये हमने 2 टमाटर 2 प्याज का पेस्ट बनाया है, और ये है सोयाबीन का चूरा, न्यूट्रीला जिसे कहते हैं हम। थोड़ा सा तेल डालेंगे, हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये पूरी तरीके से लाल नहीं हो जाती। अब हम ये सोयाबीन डालेंगे न्यूट्रीला इसके अंदर। अब इसके अंदर हम घर के मसाले डालेंगे, लाल मिर्च, हरा धनिया, हल्दी, और गरम मसाला। इसी में थोड़ा नमक डालेंगे हम, इसके अंदर एक मसाला और ऐड करेंगे हम, मैगी मसाला डालेंगे हम, ये प्यूरी डालेंगे हम, अब हम इसको ढक के रख देते हैं थोड़ी देर ताकि पूरी जो ग्रेवी है इसके अंदर पक जाए अच्छे से और कलर आ जाए अच्छा वाला। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। इसके अंदर हमने दही डाल दिया है, दही। इसके अंदर पनीर डालते हैं।
मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ जरा। एक नंबर बनी है, पूरी एक नंबर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और पनीर के अंदर न्यूट्रिला सोयाबीन का चूरा मैंने दिखाया है अपनी रेसिपी के हिसाब से, आज तक किसी ने ये चीज़ नहीं दिखाई होगी आपको। अब किसी को भी आप अपने परिवार को या अपने आप को अच्छे से सर्व कर सकते हैं सब्ज़ी को। और इस सब्ज़ी का नाम मैं लूँगा न्यूट्रिला पनीर, तो बहुत ही, जो कि बहुत टेस्टी बना है। ये देखिए, तो कैसी लगी आपको पनीर की सब्ज़ी, तसल्ली से टेस्ट करके मुझे बताना। जितना लाइक कर सकते हो लाइक करो, शेयर जितना कर सकते हो और शेयर करो, रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, और बस कृपा बरसाओ, बस बार बार यही बोलता हूँ मैं। ठीक है, बाय बाय, टाटा।